दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फोन डायलर की 3 खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे यूज करके दोस्तों आप काफी सारी चीजों का पता कर सकते हो। आपने आज तक दोस्तों अपने फोन डायलर का यूज सिर्फ और सिर्फ कॉल करने के लिए, नंबर डायल करने के लिए किया होगा, लेकिन आज के बाद दोस्तों आप ये नहीं करोगे, क्योंकि आज काफी सारी चीजें मैं खोल के रख दूंगा, बताने वाला हूँ आपके सामने फोन डायलर की। तो बस करो क्या यार, इस वीडियो को लाइक करो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। गाइस आइए मैं आपको तीनों ट्रिक बता देता हूं। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो थर्ड वाली ट्रिक है ना, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अब जो पहली वाली ट्रिक है ना गाइस, इससे आप ये पता कर सकते हो कि आपके पास जो फोन है वो नया है या फिर पुराना है, पहले से यूज किया हुआ है। कैसे आप पता करोगे? सिर्फ आपको करना क्या गाइस, जैसे कि आप शॉप पे फोन लेने गए, शॉप वाला बोलेगा नया है लेकिन आपको लग रहा है कि पुराना है, तो आप उसके सामने उस फोन में एक कोड डायल करके पता कर सकते हो कि आपका जो फोन ले रहे हो वो नया है या फिर पुराना है, कितना पुराना है सब कुछ। सबसे पहले आपको फोन डायलर ओपन करना है। यहां पे दोस्तों आपको डायल करना है *#12580 स्टार, मतलब कि ऐसे एक सिंपल सा लाइन बना देनी है। उसके बाद 369 # ये जैसे ही दोस्तों कोड डायल करोगे, आपके सामने यहां पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे सेकंड लास्ट में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा RF कॉल, और इसके सामने कुछ नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है ना गाइस, इसे आप नंबर नहीं एक डेट बोल सकते हो। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आपके फोन में रेडियो फ्रीक्वेंसी कब आई? जब सिम डाला, तो दोस्तों ये एक डेट काउंट होके यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसी डेट को आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे 2020/1005 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 2020 में 10वें महीना एंड 5 तारीख को इसमें पहली बार सिम डली है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप इसे डेट, मतलब कि यहाँ पे पहले हमें ईयर दिखाई देगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, इस हिसाब से यहाँ पे हमें एक डेट दिखाई देती है। उस डेट से आप ये पता कर सकते हो कि पहली बार इस फोन में या फिर कोई भी फोन में सिम कब डली। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये कोड आपके फोन में काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे पता करोगे? सिंपल सा काम करो, गूगल में जाओ गाइस, वहां पे आपको लिखना है RF कॉल एंड माय डिवाइस नंबर, मतलब कि ऐसे कोड सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। तो हर एक डिवाइस में शायद अलग होती है, वैसे मेरे फोन में काम कर रहा है एंड 2-3 और मेरे पास फोन है उसमें भी ट्राई किया तो काम कर रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग देख लेना, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपना जो डिवाइस का नेम है एंड RF कॉल लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको सेकंड ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपका कीमती समय बचाएगा। जैसे कि आपको किसी को भी कॉल करना होता है, या तो नंबर डायल करो या फिर सर्च करो कॉन्टैक्ट, फिर डायल करते होगे, लेकिन गाइस आप अपने फेवरेट पर्सन को सिर्फ एक क्लिक में कॉल कर सकते हो। कैसे? यहां पे जस्ट आप देखिए, जैसे कि मुझे किसी को भी कॉल करना है, मैं प्रेस करके रखा हूं, ऑटोमेटिक गाइस उसको कॉल जानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही गाइस आप भी अपने फोन में सेट कर सकते हो। क्या करना होगा उसके लिए गाइस, यहां पे डायलर में आना है एंड ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे स्पीड डायल नंबर होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहां से कोई भी एक नंबर दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहां पे पूरा का पूरा नंबर दिया हुआ है, तो हम यहां पे 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पे आप एक कांटेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी कांटेक्ट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद ये सेव हो जाएगा एंड जैसे ही दोस्तों वो नंबर आप प्रेस करके रखोगे, ऑटोमेटिक गाइस उसको कॉल लग जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप सेट कर लीजिए, आप अपने फेवरेट पर्सन को ऐड कर सकते हो, जिससे वो नंबर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक उसे कॉल चली जाएगी, आपको नंबर डायल नहीं करना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, काफी ज्यादा आपकी कीमती समय बचेगा। अब दोस्तों मैं आपको थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देता हूं, जिसका आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये ट्रिक दोस्तों बैटरी परसेंटेज से रिलेटेड है। कई बार आपने देखा होगा हमारे फोन की जो बैटरी परसेंटेज है वो सही नहीं दिखाता, दिखाता 50% है, रियल में हमारे फोन की बैटरी 10% भी नहीं होती, मतलब कि चार्ज में लगाए रहती है 100 दिखाता है, निकालते ही दोस्तों 10% हो जाता है, या फिर कई लोगों की जो बैटरी परसेंटेज है 200% दिखाने लगता है। तो ये सब जो चीजें हैं गाइस, ये मिस्टेक होती है आपके फोन में। तो इसे कैसे आप सॉल्व करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सा काम करना है, डायलर पैड में आना है एंड यहां पे दोस्तों आपको डायल करना है *#0228#, ये जैसे ही कोड आप डायल करोगे गाइस आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा एंड नीचे दोस्तों आपको क्विक स्टार्ट का बटन दिखाई देगा। तो सिंपली गाइस आप क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो एंड यहां पे एक वार्निंग शो होगा, ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपका फोन लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप वापस से अपने फोन को अनलॉक कर लो। अनलॉक करते ही दोस्तों आप देखोगे आपके जो रियल बैटरी परसेंटेज है वो शो होनी लग जाएगी, मतलब कि जो पुरानी बैटरी परसेंटेज थी वो हट जाती है। ये जो बोलते हैं ना एक बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है गाइस, कई बार ग्लिच हो जाता है,
जाता है या फिर गलती से शो होता है, तो ये सब चीजें अगर आपके फोन में हो रही है तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जो बैटरी परसेंटेज है उसे एकदम बोलते हैं ना, रिस्टार्ट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, जिससे जो चीजें हैं वो आपको रियल में दिखे, आपके फोन की बैटरी परसेंटेज कितना है वो रियल में दिखेगी। तो आई होप गाइस आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और ये तीनों डायलर पैड के ट्रिक पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एंड हो सके अगर आप एक नए व्यूअर हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर।